दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में मोहसिन खान और फहमान खान वो अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर में यूं तो कई टीवी सीरियल्स किए हैं, पर इन्हें अगर किसी ने एक घरेलू नाम बनाया है तो वो स्टार प्लस है, जिसमें अपने अपने टीवी शोज के जरिए दोनों ने ही अपने करियर को चमकाया और इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेताओं में से एक बने। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पर्दे पर जहां ये दोनों ही अभिनेता अपने अपने अंदाज से दर्शकों का दिल जीत कर कई अभिनेताओं से आगे आ चुके हैं, तो वहीं अमीरी में भी ये दोनों आज एक दूसरे अभिनेताओं को मात देते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है और कौन ज्यादा आलिशान जिंदगी जीता है, तो शायद आप भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए आज हम आपको यही बताने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप इनके लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें अभिनेता मोहसिन खान की अमीरी के बारे में, तो बता दें मोहसिन खान टीवी इंडस्ट्री में 2014 से ही एक्टिव हैं, जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कई सीरियल्स में काम किया है। तो वहीं इन्होंने कई सारी म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है, जिस वजह से आज ये 13 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं, जिससे इनका मुंबई में काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत घर है, जिनके इस घर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और शो पीस का इस्तेमाल किया है। साथ ही इन्होंने घर का लिविंग एरिया बड़े बड़े सोफा सेट के साथ सजा रखा है। इसके साथ ही इनका बेडरूम भी काफी सुंदर और आलिशान है। इन सभी के अलावा इनके घर के किचन भी इन्होंने काफी ज्यादा मॉडर्न रखे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट से भरे एक से बढ़कर एक गैजेट्स देखने को मिलते हैं। घर के अलावा मोहसिन खान अपनी पर्सनालिटी को भी काफी ज्यादा मेंटेन रखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना पराडा और रॉल्फ लॉरेन जैसे ब्रांड के कपड़ों पर 20 से 30 हजार तक खर्च करने से पीछे नहीं हटते। वही कपड़ों के साथ ये जारा और वैलेंटिनो जैसे ब्रांड्स के शूज कैरी करते हैं। इसके साथ ही इन्हें परफ्यूम का भी काफी शौक है, जिसके चलते ये टॉमी हिल्फाइगर और रेड फरारी जैसे ब्रांड के परफ्यूम पर 5 से 10 हजार रुपए लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइफस्टाइल में चार चांद लगाने वाली कार कलेक्शन के बारे में, तो बता दें मोहसिन खान के पास क्रेटा और BMW जैसी कई लग्जूरियस कार है। बात करें फहमान खान की अमीरी के बारे में, तो बता दें कि फहमान खान लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इनकी पर एपिसोड सैलरी 50 हजार रुपए है। इसके साथ ये शॉर्ट मूवीज और वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से ही आज इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर 7 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम की है, जिनकी इस संपत्ति से आज इनका काफी आलिशान और खूबसूरत आशियाना है, जिनका ये घर मुंबई में है, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि काफी बड़ा होने के साथ सुंदर भी है। इन्हें रंगों से बेहद प्यार है, जो इनके घर में साफ तौर पर नजर आता है, क्योंकि इनके घर में काफी मल्टी कलर चीजें हैं, चाहे बात हो घर के सोफे की या बात हो अंदर फर्नीचर की, सभी काफी अलग अलग रंगों से सजे हुए हैं। वहीं घर की दीवारें भी अलग अलग पेंट के साथ काफी लग्जूरियस चीजों के साथ सजाई गई है। घर के साथ ही ये भी अपने लाइफस्टाइल को काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड रखते हैं, जिसकी वजह से ही इनके वार्डरोब कलेक्शन में डॉल्स एंड गब्बाना, गुची और हर्मस जैसे ब्रांड शामिल होते हैं, जिन पर ये 15 से 20 हजार रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं इन महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये उनके साथ कोच और H&M जैसे ब्रांड्स के शूज भी कैरी करते हैं, जिसकी वजह से इनके वार्डरोब और शू कलेक्शन पर इनका 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा बैठ जाता है। इसके साथ ही अपने परफ्यूम, बैग और वॉच के कलेक्शन को भी काफी ज्यादा शानदार रखना पसंद करते हैं। अब बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पास भी फॉर्च्यूनर और मारुति बलेनो जैसी लाखों रुपए की गाड़ियां हैं। वेल, इस कंपैरिजन के बाद बात करें कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है, तो वो अभिनेता मोहसिन खान ही हैं, जो कि फहमान खान से ज्यादा पॉपुलर होने के साथ ही काफी अमीर भी हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा आलिशान जिंदगी जीते हैं और काफी आलिशान और महंगी गाड़ियों में भी सफर करते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों अभिनेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।